सकल कर्म नो क्षय करी पाम्या स्वयं स्वभाव सर्वज्ञानी सर्वज्ञानी परमात्मने नमो करी बहुभा। अभी यहां प्रेरणा करते हैं। अभी तक ये कहा कि जो आत्मा में रमते हैं उनको अनिर्वचनीय आनंद आता है, आत्मा में रमते हैं उनके सारे कर्म जल जाते हैं अर्थात वो सिद्ध बन जाते हैं, ये सब बात कही। अब प्रेरणा करती है, इस प्रेरणा में बहुत मर्म है, इस प्रेरणा में बहुत मर्म है। मैं सोचते रहा हूं कि इस गाथा को अब लगातार चलाऊं, बस मैंने जो मैं कहना चाह रहा था विषय भी लेना चाह रहा था वो इसमें भी है, इसलिए इस चीज में से ले लूंगा। पहले क्या महत्वपूर्ण बात आई इसमें से पढ़ते हैं अपन, क्या महत्वपूर्ण बात है पढ़ते हैं अन्वयार्थ, या चाहो तो नीचे 49 का हरि गीत पढ़िए। ज्ञानमयी ज्योतिर्महा विभ्रम नाशक जे पूछे चाहे अनुभवे आत्मार्थी जनते। है जोरदार। अब देखो ऑपरेशन करूंगा और कष्ट होगा, यदि वो ईमानदारी से सुनना है तो आत्मार्थी जनते कौन है आत्मार्थी? पूछे, पहली शर्त पूछे चाहे अनुभवे, तीन पॉइंट लिए, पूछे चाहे अनुभवे। सम्यक दर्शन उन्हें होगा जो ये तीन काम करेंगे, पूछे चाहे अनुभवे। ये क्यों लिखा है, ये गाथा क्यों आ गई, ये निमित्त प्रधान गाथा क्यों आ गई? बहुत मार्मिक बात है इधर, बहुत मार्मिक बात है। जैसे क्रिकेट खेलने वाले बॉलर उन्हें नहीं मालूम पड़ता, रन दौड़ने वाले को नहीं मालूम पड़ता कि मैं क्रीज में आया कि नहीं आया, मेरे से फाउल कहां हुआ, चूक कहां हुई, उसे पता नहीं लगता, उसे बताने वाला चाहिए। ऐसे निसर्ग सम्यक दर्शन कम होता है और अधिगमज ज्यादा होता है। क्यों? यह जीव मोह के आवेश में है, इसका ज्ञान ज्ञान नहीं है, मोह के आवेश में है। टोडरमल जी साहब से पूछें कि चतुराई की बातें बनाता है, श्रीमत जी से पूछें तो इसका चित्त चंचल है, मोह से आविष्ट है। समय सार जी की गाथा से पूछें ते भूताविष्ट पुरुष की भांति है। याद है सबको? ये तो मैं सोचता हूं सबको अभ्यास है। क्या मतलब इन सब का, क्या मतलब? सम्यक दर्शन किसको होगा जो गुरु पासे पूछे। देखो लिखा है, इसमें लिखा है पूछे, कौन पूछेगा पता है? कौन पूछेगा जिसको मान कसाई नहीं होगी, माना दिख शत्रु महा निछंदे न मराए, कोई सोचे कि मैं उसका अभाव कर लूंगा, झूठी बात लिख लेना, स्वच्छंदता से निछंद से कभी नहीं जाएगी। शत्रु महा छोटा मोटा नहीं है, आपने शास्त्र पढ़ा, समझ में आया? झूठ बात है, मान कसाई आपको सत्य नहीं बोलने देता। अभी सीडी सुनी, आपको समझ में आया? नहीं समझ में, आपको माना दी कैसे बोले, मान कसाई कहेगा लोग क्या कहेंगे, समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया। नहीं नहीं, नहीं बहुत अच्छा, बहु सारू बहु गमे छे। मान कसाई आपको सत्य नहीं बोलने देगी,
मान कसा है आपको असत्य बोल करके मायाचारी में डाल देगी। माने जितना ज्ञान है ना जो सम्यक दर्शन कर सकता था वह ज्ञान मायाचारी के खाते में चला जाता है। जैसे मान चलो गुरुदेव की सीढ़ी सुनते सुनते नींद आ रही हो, बहुत बढ़िया, बहुत आनंद। जो तेरा स्वच्छ ज्ञान था ना जो सम्यक दर्शन कर सकता था वो मायाचारी करने लगा। कल बहुत विचार चल रहा था, तुम मान को तो जीतना चाहते हो लेकिन मान का स्वरूप नहीं मालूम। तपेली होती क्या बोलते बर्तन, उसको अपन गैस पर रखते हैं तो वो गर्म हो जाती है। अग्नि से कैसे जलता है आदमी पता है? तपेली को छूने पर जलता है, तपेली से नहीं जलता, तपेली से नहीं जलता, तपेली छूने से जलता है, तपेली से नहीं जलता, छूने से भी नहीं जलता, अग्नि से जलता है। आपको सम्यक दर्शन करना है, आपको बालक बनना पड़ेगा, आपको सरल होना पड़ेगा। आप ऐसे समझो ये चार कसाय मेरे विश्व के सबसे बड़े शत्रु हैं, आतंकवादी हैं। पूजा में तो हम बड़े अच्छे से गाते हैं, पड़ा में तस्कर दल के हाथ, छूटना है, छूटना है, तकलीफ होगी बोलो तो मायाचारी कहते हैं हाँ छूटना है। जैसे ऑपरेशन शुरू हुआ, आप रहने दो मैं इसको बर्दाश्त कर लूंगा। अरे घनघोर कष्ट उठा करके भी कष्ट कुछ नहीं है, और मान का कष्ट है। मैं 50 साल पुराना हूं, मैं कैसे पूछूं? परमात्म प्रकाश जी ग्रंथ है, उसकी शुरुआत है, उसमें प्रभाकर भट्ट पूछते हैं, हे योगिंदु देव ये आत्मा कैसा है? समय सार जी में टीकाकार कहते हैं, को असौ शुद्धात्मा इति चेत, वो आत्मा कैसा है जिसे मुझे अनुभव करना चाहिए। सच बताना ईमानदारी से, सम्यक दर्शन जिन्हें करना है कभी पूछा है? आप तो एक अच्छा विषय चलाओ, एक सरल विषय चलाओ, सबको समझ में आ जाए ऐसे चलाओ। मेरे से तो लोग कहते हैं आप जरूर आना, आपसे लड़के सुधर जाएंगे, और आप नई पीढ़ी पर आपका असर पड़ेगा, आप उनको, और आप मन मान कसा है ये जी को लगते नहीं, मुझे भी प्रवचन सुनना है, मुझे समझना है। नींद किसको आती है मालूम प्रवचन सुनने में? हूं बहु जानू छू, बद्धू जानू छू, आज काले नो दीख रो क्या आजकल का ये लड़का हमें बताएगा? सुनते हैं, हाँ ठीक है, ठीक, अच्छा कह रहे भाई, तुम्हें आत्मा तो पकड़ में ही नहीं आई, कैसे पकड़ में आई? ये ऑपरेशन है, मान कसा है यही पूछने देती। पता है क्या लिखा है फिर परमात्म प्रकाश जी में? परमात्म प्रकाश जी में क्या लिखा है? हे प्रभु, हे योगिंदु देव, एक मुनिराज अपने आचार्य को पूछते हैं, हे प्रभु आत्मा कैसा है? कैसे पूछा होगा, कितनी मान कसाय का अभाव हुआ होगा जब पूछा होगा? ये अनंतानुबंधी मान है, मुझे सब आता है, अनंतानुबंधी मान है, कुछ होश तो कुछ है नहीं। ये मान की तीव्रता इसे होश नहीं आने देती। फिर क्या हुआ, उत्तर क्या लिया मानो, उत्तर क्या लिखा? आत्मा का वर्णन नहीं लिखा, उत्तर में आत्मा का वर्णन नहीं लिखा परमात्म प्रकाश जी ने, पता है क्या लिखा है? हे भव्य जीव, हे प्रभाकर भट्ट, ऐसा प्रश्न तुम जैसे मुमुक्षु ही करेंगे, ऐसा प्रश्न तुम जैसे सम्यक दर्शन के प्यासे ही करें। क्या लिखते हैं आगे? ऐसा ही प्रश्न रामचंद्र जी ने मल्ली मुंशीव्रतनाथ भगवान की समोसरण में किया था, ऐसा ही प्रश्न श्रैनिक ने महावीर भगवान की समोसरण में किया था, ऐसा ही प्रश्न नैमिनाथ भगवान ने कृष्ण सॉरी उल्टा बोल गए ना कृष्ण जी श्री कृष्ण ने नैमिनाथ भगवान की सभा में किया था। और भी लिखे हैं, और भी लिखे नाम, उन्होंने वासुपुज भगवान के समोसरण में किया था, ऐसे ही भरत चक्रवर्ती ने आदिनाथ भगवान की सभा में किया था। अच्छा ये मानदा से पूछो, हमें और सब जानने की जिज्ञासा है, पंडित जी गुणस्थान मार्गणस्थान ये वो नया विषय कोई भी,
नया प्रमेय कोई भी, लेकिन आत्मा कैसा है ये पूछने की इच्छा होती है। वो तो आप बता दो कि वही ज्ञान दर्शन वाला ज्ञाता दृष्टा, वो तो मैं भी जानता हूं। अरे नहीं जानते तुम, जानना कब कहते हैं, जानना कब कहते हैं, जब तू ज्ञाता दृष्टा देख ले, अनुभव ले, तुझे ज्ञाता दृष्टा के साथ राग का विकल्प ना हो। तुझे ज्ञाता दृष्टा के साथ राग तो हो लेकिन राग का विकल्प ना हो, कल की भाषा में बोले तो डेढ़ अकल ना हो। हम तेरे से कहते हैं ज्ञाता दृष्टा है, तृप्त हो गए, ठीक है ज्ञाता दृष्टा, बात तो सही है, बात तो सही, ज्ञाता दृष्टा लिखा है वो तो, कौन आप अपने मन से थोड़ी कह रहे हो, जे अकल आ गई आपको। वो तो स्वामी जी भी फरमाते थे, आचार्य कुंकुल स्वामी फरमाते थे, बात तो ठीक है। अरे बात ठीक नहीं है, वस्तु ठीक है, क्या अंतर हो गया, क्या अंतर हो गया बोलो, बात ठीक है कि वस्तु ठीक है। और वस्तु देख लेते तो कमाल ही हो जाए, ओहो मैं वैभव पाया रे, निज शुद्धाता मैं सार में निज अनुभव पायो रे, वो तो ऐसे उछलेगा। मैंने कल एक बात कही थी, हमें स्वामी जी के प्रवचन सुनते हैं लेकिन अंदर अंदर द्वेष चलता है अंदर। अब कैसे चलता है ये तो बता दिए कल, लोगों को विश्वास नहीं होता। थोड़ा पढ़ा लिखा नम्र होता है, कम पढ़ा लिखा को महिमा आती है, थोड़ा ज्यादा पढ़ जाता है तो, मैंने सुना है मुझे बहुत कष्ट होता है। गुरुदेव श्री प्रवचन में क्या करते थे, एक घंटा दो चार पालिस की घटना सुना दी, उमराडा की सुना दी, ये सुना दी, वो सुना दी, फिर ऐसे करते बस बीच बीच में कहते भगवान आत्मा हा हा समझाई छे कहीं, फिर ऐसा करते ओ हो तू एक शब्द के खिलाफ सोचता है तुझे उनकी करुणा का पता नहीं। कल कहा था जो आप तो को नहीं पहचानता वो सम्यक दर्शन का अधिकारी नहीं है। थोड़ा सा पढ़ लिया सुन लिया दो पांच दस साल, हमारे पंडित साहब ने तो इस बार बहुत ठपका दिया, बहुत सुमत मान में मड्डू, मेरे को बहुत सुनते हैं लोग, बहुत जानते हैं, बहुत चाहते हैं, मेरा ऐसा सीडी चल गई है मान में मड्डू, जहां तक क्षोभसम ज्ञान है वो ऐसा है कि जैसे कोई चूहा दो चार छह लाल मिर्ची खिसका ले किराने की दुकान से और दो चार हल्दी की गांठ खिसका ले समझे ले जाए और फिर मेरी पंसारी की दुकान दो चार दर्जी के यहां से कोई कपड़े की चिंदी उखेष्टी कर ले और मैं बजाज कहते कपड़े का व्यापारी, ऐसा है तूने अभी कुछ सीखा नहीं है, ऐसे कहते तूने कुछ सीखा नहीं है। यदि तेरे नम्रता चली गई गुरुओं के प्रति तो तूने कुछ नहीं सीखा। मैं तुझे दंड दूं और तुझे लगता है पंडित जी गलत सोचते हैं मेरे बारे में, तूने कुछ नहीं सीखा, तुझे गुरुओं की करुणा का पता नहीं, ऐसे बोला है अभी सुन के आया हूं। अंतर्मुखों के विचार करते सच में वो हो, यदि गुरु नहीं हो तो ये मान का ताप कौन उतारे, मोह का ताप कौन उतारे, मोह तो चढ़ने तैयार है, सुने ही नहीं दूसरे की, पूछे ही नहीं, पूछेगा कौन, पूछे कौन जिसको मान ना होए। मुझे इसलिए गाथा बहुत अच्छी लगी, कल चलेगी जब आप खूब रस लेना, समय से आना सब लोग, सुनना अच्छे से खूब पास बैठ करके, जब मुझे इतना आनंद आ रहा है तो स्वामी जी को कितना आनंद आया होगा उसकी तो कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। देखो क्या कह रहे हैं, तो पहली बात समझ में आई कुछ, इतनी प्रशंसा करी, ऐसा प्रश्न तुम जैसे भव्य जीवों को ही होता है, तुमको ही होता है। स्वामी जी ने प्रवचन किया छठी गाथा में, को असौ आत्मा है? को असौ आत्मा इति चेत, शुद्धात्मा इति चेत, कैसा है वो आत्मा शुद्धात्मा जिसे मुझे अनुभव करना चाहिए। एक घंटे का प्रवचन है, कितने रीझे होंगे इस प्रश्न पर, देख लो अपने अपने को, हमें प्रश्न करने का भाव आता है कि नहीं आता है, मान हमें बोलने नहीं देता, पूछने नहीं देता, छोटा सा प्रश्न पूछना हो तो हम पूछ नहीं सकते। नया जीव होता है वो लघु होता है, लेकिन यदि उसकी लघुता नष्ट हो जाए तो उसकी प्रभुता नष्ट हो जाती है, और लघुता बढ़ती चली जाए तो प्रभुता प्रकट हो जाती है। कहीं लिखी है बात, श्रीमद जी के बोलों में पढ़ना, लघुता से प्रभुता मिलती है, ये लघुता की भाषा थी वो, हे प्रभु सुन कहूं, ये लघुता की भाषा है। आज लघुता का व्यवहार खत्म हो गया,
जैसे मैं कहूं ए तुम कितना गुस्सा करते हो, तो आपको सिर चढ़ जाता है। मालूम क्यों चढ़ जाता है? मूर्ख है पंडित जी, तस समय की योग्यता है कि नहीं। मैं करता हूं क्या राग का, मैं क्रोध का करता हूं? जा मिथ्या दृष्टि है तू। किसा मैं सही तो बोल रहा हूं, तस समय की योग्यता में राग होता है, क्रोध होता है, गुणस्थान प्रमाण कपड़ा होता है। तूने सही बोला है लेकिन कपड़े के पोषण के लिए बोला, इसलिए मिथ्या सिद्ध हो गया। तुमने सही बोला है ज्ञान अने राग जुदा छे, लेकिन तुमने राग के पोषण के लिए बोला है। तुम्हारी आंख गर्म क्यों हुई, तुम्हारे मस्तिष्क गर्म क्यों हुआ, तुमने राग के पक्ष में बोला है। जा अनंतानुमंदी, ये गारंटी हमारी, पूछ लेना जा। लगता अब मुझे लग रहा है विषय बोलूं कि लगता बताऊं। अंतिम सम्राट हुए भारत के, इतने छोटे भारत के नहीं जितना आपके पास है, भारत पाकिस्तान भूटान नेपाल बांग्लादेश अफगानिस्तान श्रीलंका, इतने बड़े भारत का एक अंतिम सम्राट हुआ मुकुटभद्र राजा चंद्रगुप्त। कितना बड़ा राजा, अंतिम 45 वर्ष की उम्र में जिसने दीक्षा ली भद्रबाहु स्वामी के चरणों में, केवल इसीलिए कि अकाल आने वाला है 12 वर्ष का, और तब धर्म का हानि होगी। इतना सुनते से विरक्त होकर के केवल वो उसके बल पर, वो स्वप्नों के बल पर, स्वप्नों का फल सुनकर विरक्त हो गए। 45 वर्ष की उम्र में दीक्षा लेकर चले गए। 24,000 मुनिराज का संघ था, 24,000 मुनिराज का संघ भद्रबाहु स्वामी का, 12,000 दो बात आती है, उज्जैन रुक गए अथवा पटना रुक गए, पटना साहिब दोनों जगह की बात आती है, और बाकी 12,000 वहां चले गए। इतनी उम्र हो चुकी थी भद्रबाहु स्वामी की कि अब उनकी समाधि का समय आ गया, सारे शिष्यों को विदा कर दिया, सब मुझे छोड़कर चले जाओ, मैं एकाकी जंगल में अपना ध्यान करके समाधि कर लूंगा। लेकिन भद्रबाहु स्वामी को, ओ सम्राट चंद्रगुप्त को इतनी महिमा थी अपने गुरु की, मुझे आपसे अब कुछ सुनना शेष नहीं है, मुझे आपसे कुछ पढ़ना शेष नहीं है, मैं मौन साधक की तरह आपके चरणों में रहूंगा। दीक्षा लेकर आए हुए ज्यादा दिन नहीं हुए, ज्यादा ज्यादा 4-6 महीने में पहुंच गए वहां गोमटेश्वर बाहुबली पर। सबको विदा कर दिया, इनको भी कहा आप जाओ पढ़ना लिखना सीखना थोड़ा, नहीं, आपने मुझे जन्म मरण का अंत करने की विधि बताई है, मैं आपके चरणों को छोड़ के नहीं जा सकता। जब तक आपकी समाधि नहीं होगी मैं यहीं रहूंगा। घनघोर जंगल, दूर दूर तक एक नगर नहीं, गांव तक नहीं, दूर दूर तक गांव नहीं था उस समय। उनने बहुत कहा मेरे से चला नहीं जा रहा है, मैं किसी गांव के नजदीक नहीं जा सकता, और ये पहाड़ी मुझे समाधि के लिए योग्य है। जिस गुफा में उनकी हुई समाधि सबको पता होगी, तुम चले जाओ, मानो मेरी बात, यहां आसपास कोई गांव नहीं है, तुम्हारी चर्या कैसे पलेगी, आहार की परिचर्या कैसे पलेगी। उन्होंने कहा हे गुरुदेव, यदि आपके देह की सामर्थ्य नहीं है तो आप कहीं जाने का विकल्प मत करो, और मेरे भी विकल्प मत करो। इतना कौन शिष्य होगा इतना सुंदर व्यवहार करे। ये बताना चाह रहा हूं कि सम्यक दर्शन कैसे होते हैं और चमत्कार कैसे होते हैं। विनय से पात्रता, श्रीमद जी ने कितना लिखा है विनय और पात्रता के लिए। हम पढ़ते जरूर हैं लेकिन अपने में जांच नहीं करते। हमें पंडित साहब ने बहुत कहा है बेटे एक लाइन पढ़ और तब तक अपने से पूछ कि ये विनय गुण तेरे में है कि नहीं है, तो उसका कौन सा रूप तेरे पास है, उसमें कोई सुधार की जरूरत तो नहीं है। तू बार बार रत्नकरण साहब का चार्य जी के 16 कारण भावना पढ़ा कर, यही तुझे आत्महित करना हो तो, यही तुझे मानादिक से बचना हो तो, प्रत्यक्ष गुरु नहीं है तो मत होने दे, लेकिन गुरुओं के प्रति भक्ति कम नहीं करना जीवन में, सोचना तक मत, पढ़ा कर बार बार। हर बार जाता हूं हर बार प्रेरणा करती है, तुमने पढ़ा? मैंने कहा नहीं पढ़ा। तू मान में चढ़ गया है और पढ़ा ले सारी दुनिया को, सबका गुरु बन जाके, तू अपना हित मत करना बस, किसी कौन देगा ठपका, चल भाग हट यहां से। मैंने कहा अब पढ़ता हूं,
उन्हें ऐसे चाहिए अपने मानादि का भूत उतारने वाला। जब गुरुदेव श्री गुजर गए थे, हिम्मत भाई ने बोला था, हमारा टोकने वाला चला गया, टोकनार चला गया, अब हम अपनी बात किससे कहेंगे, हम अपने सवालों का हल किससे मिलाएंगे, हम क्या विचार करते हैं, ये कौन से प्रमाण करेंगे। अपने मस्तक पर गुरु विराजते हैं, हम धन्य थे, आज हम अभागे हो गए। उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊं, आप बिल्कुल सल्ले मत करो। कल्पना कर सकते हो बिना आहार की व्यवस्था कैसे चलेगी। 3 दिन तक आहार नहीं हुआ। चौथे दिन भद्रबाहू स्वामी को विकल्प आया। वे जानते थे यहां कहीं कोई व्यवस्था नहीं, इसके बावजूद बोले गांव हो या ना हो, लेकिन जैसे चारण नदीधारी मुनिराज को जंगल में किसी श्रावक के द्वारा, रामचंद्र जी और लक्ष्मण के द्वारा सहज आहार की विधि बनी, शायद गांव में कोई व्यवस्था ना हो तो जंगल में कोई व्यवस्था बने। घनघोर जंगल में कोई नहीं है, चातुर्मास करने रुक गए मुनिराज का संघ, घनघोर जंगल में कोई नहीं। भामंडल वहां से विजय करके निकले, भामंडल पद्म पुराण में वहां से निकले, मुनिराज को देखते से ओ हो चातुर्मास का समय है, वो मुनिराज यहाँ विद्यमान है, दूर दूर तक कोई है नहीं, ओहो 4 महीने के लिए वहीं रुक गए, 4 महीने के लिए वहीं नगरी बसा दी, सारे श्रावकों को लाके बसा दिया। मुझे मालूम है मुनिराज विहार नहीं करेंगे, 4 महीने रुककर उनकी व्यवस्था की। भद्रबाहू स्वामी को विकल्प आया, बेटा जाओ, क्या होगा तुम ये मत सोचो, कौन देगा आहार ये मत सोचो, मुनि को अपनी चर्या करना चाहिए, तुम अपनी चर्या के लिए निकलो। जो आज्ञा गुरुदेव, लिया और चले गए। आज्ञा में जी नहीं सोचा कैसे, वैसे ही तो मैं 3 दिन का भूखा प्यासा हूं और जंगल में भटकूंगा, थक नहीं जाऊंगा जी डेढ़ अकल। गुरु की आज्ञा सिर माथे, गुरु की आज्ञा सिर माथे, मुझे कुछ नहीं सोचना है। आपने कहा, चले गए। आपको जानकर ताज्जुब होगा, इस पंचम काल में एक मात्र दिगंबर मुनिराज ऐसे हुए हैं 12 वर्ष तक देवों ने जिन्हें आहार दिया है। 12 वर्ष तक देवों ने नगरी बनाई गोमटेश्वर में, सारी नगरी, घर खुला हुआ है, भोजन की गंध आ रही है, लेकिन पड़गाने वाला कोई नहीं। जब तक पड़गाए नहीं जाए, नवदा भक्ति नहीं हो, वापस आ गए। गुरुदेव को बोल दिया, आपकी आज्ञा से मैं गया था और ऐसा हुआ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगले दिन फिर जाओ। गए, अकेली स्त्री पड़गा रही थी, वापस आ गई। 6ठे दिन गए आज्ञा से गुरु की, कभी ये नहीं सोचा क्यों मैं थका रहे हो, मैं आपकी सेवा भी कर रहा हूं और 6 दिन से भूखा हूं, नहीं आपकी आज्ञा बस। इसका नाम है सम्यक दर्शन के लिए पात्रता, इसका नाम है मान कसाय का अभाव, डेढ़ अकल नहीं लगा, इसका नाम है मान कसाय का अभाव। जो आज्ञा, गए पड़गाए, गए आहार हुआ, 12 वर्ष तक अपने गुरु चरणों के निकट बने रहे। वो गुरु की समाधि तो हो गई थोड़े दिन में, 1 महीना 15 दिन 10 दिन जितना भी समय लगा होगा, प्रमाण तो मुझे नहीं मिला कितने दिन में हुई, लेकिन हो गई। वहां वो उनके चरणों की उस गुफा में परोक्ष गुरु को देखते 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 अपने रत्नत्रय की वृद्धि करते रहे। देखो गेयों से ज्ञान नहीं होता, देखो गुरु से ज्ञान नहीं होता, देखो शास्त्रों से ज्ञान नहीं होता। 12 वर्ष तक उन्हें कोई शास्त्र नहीं था, कोई गुरु नहीं थी, केवल गुफा थी और अपने गुरु की भक्ति थी। यहां ग्रेट मिथ्याद नहीं मानने से ये दिक्कत है, डेढ़ अकल में तो ऐसे होता है क्या। अरे तुम समझो, जो एक बार सुनने को मिल गया कि तू परमेश्वर है, बस डेढ़ अकल मत लगा, बस खत्म। बारह वर्ष तक उनकी आहार की विधि बनती रही। जब 12 वर्ष का काल पूरा हो गया तो सारा मुनिसंघ वापस आया, सारा मुनिसंघ, सभी ने उनके दर्शन किए चरणों के गुफा में, सारी कुशलक्षेम हुई। लेकिन जो संघ के नायक थे
उनने चारों ओर देखा, यहाँ कहीं नगर तो है ही नहीं, जरूर इन्होंने फल वृक्ष फल फूल खाए होंगे, जरूर शीतलाचारी हो गए हैं, जरूर इन्होंने अनछना पानी पिया होगा। तो उन्होंने तो 12,000 मुनिराजों को नमोस्तु बोला, लेकिन एक भी मुनिराज ने उनको प्रति नमोस्तु नहीं बोला। प्रति नमोस्तु समझते हैं, जय जिनेन्द्र का जवाब जय जिनेन्द्र, प्रति जय जिनेन्द्र, ऐसे नमोस्तु का जवाब नहीं दिया किसी ने। उन्होंने कोई मान कसाय को बुरा नहीं माना, कैसे हैं ये तो नहीं बोल रहे कि तुमने सेवा करी, तुमने समाधि करी, तुम 12 वर्ष से रह रहे हो, तुमने तो कुछ एक भी नहीं बोला, 12,000 चुप भ्रष्ट है। उन्हें कोई तकलीफ नहीं, सबकी योग्य सेवा भैयावत्ती करी। दूसरे दिन प्रातःकाल होते से ही सारे मुनिराज विहार करने लगे, बिना बोले जाने लगे। तो उनने कहा, हे स्वामी, पास में ही नगर है, आप आहार की चर्या करके विहार करें। एम अच्छा, सारा संग रुक गया, सबने परिचर्या की, 12,000 मुनिराज का आहार हो गया, हो गया, सब लौट आए। लेकिन एक विधि होती है, एक विधि कि कमंडल श्रावक लेकर आता है, पीछे लेकर मुनिराज विहार करते हैं, और मुनिराज कभी पीछे मुड़ के नहीं देखते, उन्होंने अपनी पीछे उठाई और चल दिए। पीछे कमंडल रह गया, एक छुल्लक जी का, अतः एक मुनिराज का छुल्लक लिखा हुआ है, जैसा भी समझो। जब आए देखा कमंडल आया ही नहीं, अब तो फिर उन्होंने सोचा कि नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, अपना कमंडल ले आए। तो वो वापस गए, देखा पूरी नगरी गायब, 12 साल का रहस्य टूट गया। कमंडल एक वृक्ष पर टंगा हुआ था, लेकर वापस आ गए। आते से ही आचार्य के चरणों में गए, प्रभु एक छल हो गया हमारे संयम के साथ, हमारी आराधना के साथ एक छल हो गया। क्या हो गया? जिसे हम श्रावकों की नगरी मान रहे थे वहां कुछ भी नहीं है, 12 वर्ष बाद ये भेद खुला। ओहो हो, आहार करके आए तो सबको पहले नंबर तो चंद्रगुप्त की महिमा आई, सबने उनको मिलाया, बातचीत वो सब किया अच्छे से, सब खूब कुशल क्षेम हुई। लेकिन जैसे ही ये मालूम पड़ा, 12,000 मुनिराजों ने और उन्होंने चंद्रगुप्त ने सभी ने असंयमी के हाथ का लिए गए आहार का प्रायश्चित किया। हमने देव पुनीत आहार कैसे ले लिया, हमारा तो त्याग है, भले ही भूल से लिया, जानबूझ कर नहीं लिया, सबने प्रायश्चित लिया, दंड लिया। अब कहानी बहुत बड़ी हो गई। देखो, चाहे आप श्रीमद जी को पढ़ लो, चाहे स्वामी जी को पढ़ लो, किसी को भी पढ़ लो, या फिर ऐसे प्रसंग पढ़ो आप जिससे आपके हृदय में भक्ति बढ़े। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए, इनसे क्या पूछे, इनसे क्या पूछे, ये क्या जानते हैं, अरे क्या जानते हैं, ये तेरा मान बोलता है। आपने सीढ़ी सुनी, आपको समझने, इनसे पूछो आज क्या कहा, मुझे कुछ समझने नहीं आया। शायद बहुत कम लोग होंगे जो एक दूसरे से पूछते हो कि आज कुछ कहा, क्या कहा, कुछ समझ में नहीं आया। आपको पता ही नहीं आप अनंतानुबंधी मायाचारी कर रहे हैं, अरे आत्म कल्याण के प्रसंग में तुम्हें मायाचारी मत कर। इसलिए गाथा मुझे बहुत प्यारी लगी, एकदम पूछ पढ़ो। अब पढ़े अपन इसको, क्यों यदि मैं गुरु भक्ति बताने बैठ जाऊंगा तो एक घंटा भी कम पड़ेगा, उसके लिए तो निकलते ही जाएगा। सुनो, अविद्या ने दूर करवा बाड़ी, या मेरा जो मैं चलाना चाह रहा हूं अविद्या, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। महान उत्कृष्ट ज्ञानमय ज्योति छे, ओ हो, तेरे पास कैसी ज्ञान ज्योति है, कितने सुगम है, सहज है, सुलभ है, सतत है, ओ हो हो, कैसी है, अविद्या ने दूर करवा वाली, अविद्या को दूर करने वाली है, मिथ्या ज्ञान को दूर करने वाली है, वो ज्ञान ज्योति तेरे पास, क्या लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, छ माने है, बनानी नहीं है, लानी नहीं है, गुरु की कृपा से बनेगी नहीं, तीर्थंकर की करुणा से बनेगी नहीं, शास्त्र में से आएगी नहीं, है ना, है ना, ओहो, अब इतने खुश हो जा,
अविद्या दूर करने के लिए डेढ़ बुद्धि मत लगा, शिविर में जाऊंगा, वहां जाऊंगा, वहां जाऊंगा, वहां जाऊंगा, जाना वो व्यवहार है, वो विकल्प आए तो गमे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले सहज होकर बैठ। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपकी जेब में 1 करोड़ का हीरा है, ठीक कह रहे हो, जवेरी के पास जाऊंगा कि उधर जाऊंगा, मार्केट में जाऊंगा, ये कहां से बात आई, 1.5 का लकड़ क्यों लगाई, आपकी जेब में है। अब ऐसे करो ना, ऐसे पंडित मुझे तो नहीं मालूम है क्या, स्कूल में बच्चे करते थे ना शैतानी, तो किसी का पेन चुरा लिया, उसकी जेब में डाल दी, अब आपको ढूंढ रहे पेन कहां है, पेन कहां है, वो बेचारा सरलता से कहां है, कहां है पेन, तू अपनी जेब में देख, तेरी जेब में है, तो क्या करेगा वो, क्या करेगा, मैंने तो रखा नहीं, लेकिन आप कहते हो तो देख लेता हूं उसमें क्या, ओ है, कहां से आया है, तुमने मस्करी की है, तुमने मेरे से मजाक किया हुआ है, होता कि नहीं होता, वहां तो मजाक की बात है, वहां तो किसी ने डाला है, माने बचपना है वो, यहां तो तेरी चैतन्य ज्योति, अब 1.5 कर मत लगा बस, आप सच में इसको पढ़ो, पंडित साहब यही कहते इतना पढ़ो बैठ जाओ, है तुम इस पे वजन दो, होना पे वजन मत दो, करना पे वजन मत दो, लाना पे वजन मत दो, निमित्तों पे वजन मत दो, छह ने क्या कहते छह, अब मुझे सच में आगे बोलने हिम्मत नहीं पड़ रही, क्या तो बोलूं इसमें, आपको रसगुल्ला खाना है और रसगुल्ला आपकी थाली में परस दिया गया है, और फिर भी आप रो रहे हो यदि मेरा पुण्य का उदय हो तो रसगुल्ला खाने को मिल जाए, अरे अनादिकाल से नहीं खाया, मिल जाए, अरे है बात तो तुम सच्ची कहते हो, बड़े उपकारी हो आप, तो सच में कह रहे हो कि है, परंतु खाऊं तो, अब क्या उत्तर दें इसका, 1.5 कर लगा रहे पढ़ेंगे तो तू रसगुल्ला मांग रहा है कि अनादि कैसे नहीं खाया, और हम कह रहे हैं है, अरे धन घड़ी कब आएगी जब रसगुल्ला खाऊंगा, धन घड़ी कब आएगी जब रसगुल्ला, सही होता ना, आप क्या करोगे ऐसे बच्चे के साथ, बड़बड़ाएंगे अभी दो मिला के देंगे, पागल कहेंगे, मूर्ख कहेंगे, हा हा हा, अरे पागलपन छोड़, बावलापन छोड़, अज्ञानीपना छोड़, हाँ सही सही, रसगुल्ले का आनंद तभी आएगा जब मैं अज्ञान छोड़ू, पागलपन छोड़ू, कहाँ छोड़ू, कौन छुड़ाएगा, कैसे छुड़ाएगा, हे भगवान मेरी बुद्धि कब पलटेगी, अज्ञान कब, जे दूसरी गलती हो गई, अरे रसगुल्ला है ऐसा जानना पागलपन छोड़ना है, अविद्या छोड़ना है, मिथ्या तो छोड़ना है, मिथ्या ज्ञान छोड़ना है, छह, अच्छे पे तो वजन देता नहीं है, गुड लक और बैड लक, अब फिर भी हम बहुत समझा रहे हैं, पंडित है वो तो बराबर, लेकिन स्वाद तो आए, अतिंद्रिय स्वयं संवेदन तो हो, ऐसे है कि क्या वैल्यू, कारण परमात्मा की क्या वैल्यू, ध्रुव स्वभाव की क्या वैल्यू, वेदन में तो आए, वेदन में तो राग चल रहा है, तो स्वामी जी करुणा कहेगा तू पागलपन छोड़ देने, गुजराती में क्या बोलते गांडपन छोड़ने छोड़ने, अब ओ मैं पागल हूं, मैं पागल हूं, मैं पागल हूं, देखो गुरुदेव कहते मैं पागल हूं, अरे मूर्ख तेरे से तो कह रहे तू चेतन ज्योति है, वो तो तूने पकड़ी नहीं, और चेतन ज्योति को देखता नहीं, इसलिए उन्होंने क्या कहा कि तू पागल है, मूर्ख है, अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, तो वो पकड़ के बैठ गया, तो मैं कैसे छोड़ू कि चेतन ज्योति छे, बहुत बराबर छे, बराबर छे, परंतु कैसे छोड़ू, 1.5 कर लगाओ कभी काम नहीं होगा, क्या लिख रहे हैं, महान उत्कृष्ट, ओहो भाषा तो देखो, मूल गाथा का शब्द है महान उत्कृष्ट, महत पर महान उत्कृष्ट, ओहो ज्ञानमय ज्योति छे, तो फिर हम क्या करें, मुमुक्षुओ ए तेना विषय में पूछबू जोइए, अब ऐसे क्या समझाने की जरूरत है, जिन्हें सम्यक दर्शन करना हो ऐसे मुमुक्षुओं को पूछना चाहिए, पूछना चाहिए का मतलब समझ में आया, जगत में झगड़ा क्यों होता है, एक तो सलाह मांगते हैं और फिर अपनी नमक मिर्च लगा देते हैं, मैंने 1.5 अकल कर देते हैं, देखा होगा आपके बेटे ने आपसे सलाह ली, आपने कह दी ऐसे नहीं ऐसे करना, और उसने उत्तर नहीं करा, अपनी अकल लगा के और ज्यादा कर डाला,
होता ही, रोज होता हुआ, रोज सब गुस्सा आता है, कैसा लड़का है, मानता ही नहीं है, कैसे यहां कह रहे हैं। पूछने का मतलब समझते हो, जिसके लिए आप फिर या तो पहले आप तो को परीक्षा कर लो, आप पूछने के बाद ना नकोर करने की गुंजाइश नहीं होती। गुरु वचनों में अतर्को, गुरु के वचन अतर्क योग्य होते हैं, तर्क योग्य नहीं होते। तो शांति से बैठ जा, काम हो जाएगा, अब तर्क मत कर, जैसे चंद्रगुप्त ने नहीं किया, तर्क नहीं कर। ये मैं आपको खुद कह रहा हूं, ये आपके लिए सम्यक दर्शन बहुत बड़ी बाधा है, बहुत बड़ी बाधा है, कह रहा हूं आपको स्पष्ट खुलेआम कह रहा हूं। गुरु वचनों में संकाना धार, जिन वचन में संकाना धार, तर्क मत कर, कुतर्क नहीं कर। आगे समझ आया, आगे चले। तेना विषय में पूछबु जोइए, तेनी वांछा कर भी जोइए। ले ए, वांछा करेंगे तो मिथ्या तो नहीं हो जाएगा। सुन, सम्यक दर्शन के पहले वांछा नियम से होती है, सम्यक दर्शन के पहले वांछा होती, करने से नहीं होती, वो करने से नहीं होती, होती है। जिसको वांछा होती है उसको सम्यक तो होता है, और जो वांछा करते हैं उनको सम्यक तो नहीं होता। नहीं समझ में आया कुछ? नहीं समझ में आया? वांछा करना ये कृत्रिमता है, और वांछा होना ये नैसर्गिक है। कहीं लिखिए बस, मैं आपको मूल सिद्धांत बताता हूं, मूल सिद्धांत। अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय विशिष्ट द्रव्य कारण, उत्तर क्षणवर्ती पर्याय विशिष्ट द्रव्य कार्य, इसमें लिखिए बात। सम्यक दर्शन के पहले उस आत्मा का भाव, अनुभव करने का भाव, लक्ष्य करने का भाव, समकित पाने का भाव, जिसको बैंसरी बहुत फरमाते थे, गहरी लागनी लगे, सब भुलाई जाए, चौंट जा, और क्या कह सकते बोला, ऊंडे ऊंडे उतरी जा, और क्या कह सकते हैं, बोलो। सब में क्या लगता है, ये तो कर्तव्य है, ये तो मिथ्यात्व है, कहीं करने से होता है सम्यक दर्शन? तू डेढ़ अकल लगा ली तूने, तुझे तो बैन श्री के बचन में और गुरुदेव के बचनों में शंका हो गई, शंका ही हो गई, हम कह रहे थे शंका हो गई, तेरे को सम्यक दर्शन नहीं होगा। एक दृष्टांत सुना हो या नहीं सुना हो तो अभी मैं सोचता हूं कि मैं सुना रहा हूं, गुरु शिष्य की बात है। चाणक्य और चंद्रगुप्त, उसी चंद्रगुप्त की बात कर रहे हैं, कितनी पात्रता थी वो देखो आप। सारे यवन चंद्रगुप्त को मार डालना चाहते थे, संयोग ऐसा बना कि उसमें हार चुके थे, वो हार चुके थे वो नंदवंश से, तो दोनों भाग रहे थे। चाणक्य और चंद्रगुप्त की सेना बिखर चुकी थी, हार चुके थे मतलब नंदवंश से पहली बार, दोनों भाग रहे थे। सबसे अच्छा मौका था इस समय चंद्रगुप्त को मारने का, सारी सेना आ गई, इनके पास भागने की सामर्थ्य नहीं बची, भागने की सामर्थ्य नहीं बची। संयोग से घोड़ा थक गया, पैदल चलने की ताकत नहीं रही, एक सरोवर आया, चाणक्य ने कहा तुम यहां छिप जा और आप ऊपर खड़े आराम से, क्योंकि चाणक्य से तो बेर था ही नहीं, उनको उनको तो राजा को मारना था। चाणक्य घूमते रहे, सैनिकों ने घेर लिया चाणक्य को, चंद्रगुप्त कहां जल्दी बताओ, तो जिस जहां छिपाया था ना, जहां छिपाया था, बोले इधर यहां है, यहां यही है, इसके नीचे। कल्पना कर सकते हो तुम गुरु के ऊपर कितना विश्वास होगा, हम तुम्हें यहां छिपाए खुद ही, और शत्रु आए और कहें ये इधर, क्या लगेगा आपको? सारे सैनिक हंसने लगे, जे चाणक्य बहुत तेज है, जे बताएगा, जे बताएगा चंद्रगुप्त को, इसकी बात हमें बताओ, सब जगह ढूंढो। कौन बताएगा अपने अपने शिष्य को, कौन मरवाएगा, झूठ बोलता है, सब जगह ढूंढो, सब जगह ढूंढा नहीं मिले, जरूर इसने भगा दिया होगा, जरूर कहीं और किया होगा। सारे सैनिक चले गए, नीचे से शिष्य निकला,
चाणक्य का पहला प्रश्न था, बेटा तुम्हें कैसा लग रहा था? गुरुदेव, मुझे आप में कोई शंका नहीं थी। ऐसी निसंग परिणति में सम्यक दर्शन एक समय में होता है। बैंसरी की भाषा में कहो तो समकित दौड़े छे, परिणति दौड़े छे। अब बोलो, हम सम्यक दर्शन अहंकार के बल पर करना चाह रहे हैं, क्षोभ के ढगले के बल पर। मैंने इतना पढ़ा, इतना सीखा, इतना रटा, इतना करा, और मैं इतना बढ़िया प्रवचनकार, मैं इतना बढ़िया, मैं इतना क्रिया कांडी, मैं इतना। मैं सच कहता हूँ, पंडित साहब के पास जाता हूँ तो धूल धूसरित कर देते हैं, बिल्कुल सारा उतार देते हैं, पसीना सब उतार देते हैं बिल्कुल। इस कली काल में यदि गुरुदेव श्री के बाद कोई मुझे मिल गया महाभाग से, वो मिल गए मुझे, कौन कहेगा इस बात को? कौन कहेगा सर? थप्पड़ कोई नहीं मारता, स्तुति करने वाले तो बहुत मिलेंगे, वाह सुमत प्रकाश जी वाह। लेकिन ये तो आप कार्य देख रहे हो, कारण में किसका योग है, कौन निमित्त है? इसलिए लिखा है गुरु पासे पूछवु जोइए। नीचे पढ़ लो आप, टीका में लिखा है गुरु पासे पूछवु जोइए, तेनी वांछा कर भी जोइए, अने तेनो अनुभव करवो जोइए। अनुभव तीसरे नंबर पे लिया, अनुभव तीसरे नंबर पे लिया। आगे पढ़ो टीका, ते आनंद स्वभावी ज्ञानमयी स्वार्थ ने, स्वार्थ माने अपना प्रयोजन, समकित आदि, स्वार्थ माने अपना समकित आदि, रत्नत्रय सुख आदि, स्वार्थ ने प्रकाशवा वाड़ी महान उत्कृष्ट अविद्या ने दूर करवा वाड़ी, आहा विभ्रम नो नाश करवा वाड़ी महाविपुल, क्या बढ़िया भाषा लिख रही, इंद्रादि ने पूजनी एवी ज्योति छे। अब डेढ़ अकन मत लगाओ, बस बैठ जाओ बैठ जाओ। मैं मोही हूं, रागी हूं, देसी हूं, ग्रस्त हूं, पामर हूं, कंगाल हूं, अमीर हूं, पंडित हूं, क्षोभ ज्ञान वाला हूं, भूल जाए, चुप, जो लिखा है वो पढ़ो, डेढ़ अकन मत लगा, पहले पढ़ो बैठ जाए। देख आचार्य कुनकुन स्वामी क्या कहते हैं, योगिंदु देव क्या कहते हैं, शुभचंद स्वामी क्या कहते हैं, तीन कम 9 करोड़ मुनिराज क्या कहते हैं, 8,98,000 502 केवली भगवान अब भी विराजते हैं, अब भी विराजते हैं। देखो केवली भगवान वो क्या फरमाते हैं, तू अपनी अकल बंद कर दे बस पढ़। इंद्रो ने, इंद्रादि ने पूजनी एवी ज्योति छे, मुमुक्षुओं तो मुमुक्षुओं ते विषय मां, क्या लिखा है, लिखा है कुछ, जिसके सिर पर गुरु आज्ञा नहीं है, जिसके चित्त में गुरु की विनय नहीं है, क्षोभ ज्ञान से कभी सम्यक दर्शन नहीं होता। सेव भूति को सम्यक दर्शन हो जाता है, अंजन चोर को हो जाता है, अंगूठा छाप लोगों को हो गया है, अंगूठा छाप पता है, ये तो पढ़ाई की व्यवस्था पंचम काल में ज्यादा हो गई, इतनी जो पढ़ाई दिख रही है प्रवचन ये कक्षाएं शिविर ये पंचम काल की विशेषता है। चौथे काल में ब्राह्मणों को पढ़ाया जाता था कि क्षत्रियों को पढ़ाते थे, राजवंश के क्षत्रिय, बाकी को पढ़ाई नहीं होती, क्षत्रियों को केवल युद्ध विद्या सिखाते थे, ब्राह्मण को अक्षर विद्या सिखाते थे, बाकी किसी को कुछ नहीं सिखाते थे। लेकिन हजारों किसान मोक्ष में चले गए, हजारों भील मोक्ष में चले गए चौथे काल में, केवल एक चीज थी विनम्रता। विद्या ददाति विनियम, विनियम ददाति पात्रताम, विनय से पात्रता आती है। स्वामी जी तो कितना गाते थे, श्रीमद जी का छंद, पात्रे आत्मिक ज्ञान, पात्र बिना वस्तु ना मड़े, मुझे गुजराती याद ही नहीं, गजल बोल जाऊं तो सही कर लेना, मुझे भाव याद रह जाता है बस, पात्र बिना भगवान कैसे मिलेगा, योग्यता बिना कैसे मिलेगा, पात्र आत्मिक ज्ञान है, ओके ब्रह्मचर्य, हाँ पात्र थवा से वो सदा है, ब्रह्मचर्य मति मान, ब्रह्मचर्य का सेवन कर, बहुत मर्म है सच में, हमें तो इतना आनंद आता है यानी गुजरात में आके, एक तो ऐसा लगता है जैसे गुरुदेव की छत छाया में बैठे हो, और ऊपर श्रीमद जी और इन सब का, क्यों हमारे क्षेत्र में श्रीमद जी का उतना जानते नहीं लोग, तो उनके भवि भागन निकलता भी नहीं है, कम निकलता है, लेकिन इधर जब आते हैं तो
दोनों तीनों का बहुत निकलता है, और पंडित साहब तो मिल गए तो उनका भी आ जाता है। रे रे भैया बहुत समझना भैया, इतनी नम्रता नहीं आएगी आपको यदि ऐसा लगता है कि क्षोभसम बढ़ाने से सम्यक दर्शन हो जाएगा, मैं भेद विज्ञान में पारंगत हो जाऊंगा, तो मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, ग्रंथ में ये लिखा है, ये जीव क्षयोपशमिक भाव का निदान बंद कर लेता है, इसके फल में मैक्सिमम उदय आता है, मैक्सिमम क्षयोपशम इतना हो जाता है कि ये 11 अंगनोपुर का पाठी तो हो जाता है लेकिन भगवान आत्मा से कोरा रह जाता है। इसलिए क्षयोपशम से बड़ा मानना नहीं, क्षयोपशम के लिए पढ़ना नहीं, क्षयोपशम से प्रसन्न होना नहीं, क्षयोपशम की दादागिरी करना नहीं, क्षयोपशम से किसी को दीन देखना नहीं, और क्षयोपशम से अपने को महान देखना नहीं, सम्यक दर्शन करना हो तो है सर। समझ में आ गई, बहुत धीरे बोला मैंने, समझ में आएगी नहीं, 11 अंगनोपुर, ओ हो स्वामी जी तो कितना बोलते थे, ओ हो इतना इतना पढ़ना सरल है, रटना सरल है, याद करना सरल है, लेकिन मान कसाई को झुकाकर गुरु के चरणों में नम्रीभूत बन जाना, कृतज्ञ हो जाना, अपने को, पंडित साहब तो एक बहुत अच्छा दृष्टांत देते हैं, सम्यक दर्शन कैसे होगा, ऐसे कहते सम्यक दर्शन कैसे होगा कि तू अपने अहम को बीज की तरह नष्ट कर दे तो वृक्ष बन जाए। समझ में आया कुछ, अपनी पर्याय बुद्धि को, अपने अहम को, अपने मैं कुछ जानता हूं ऐसी बुद्धि को गुरु चरणों में आके या परोक्ष में भी गुरु चरणों का विचार करके, अब ये चरण माने कोई पुद्गल नहीं लेना, दिक्कत क्या है, वो चरण पकड़ती है वो तो ग्रहित मिथ्यात हो जाएगा यदि तू ऐसा सोचेगा तो, हालांकि वो भी होता है, 8 प्रकार के नयों में औपचारिक असद्भुत व्यवहार नहीं से वो भी है, नहीं ये मैं नहीं कहता हूं, लेकिन मात्र इतना नहीं है, इतना पकड़ने वाला मिथ्या दृष्टि हो जाता है। एक बार पंडित साहब के चरण छुए तो बोले सुमत चरण तो छुओ, हमने फिर छू लिए, बोले चरण नहीं छू पा रहे तुम, हमने फिर छू लिए, तुम्हें अक्कल नहीं है, इतने प्रवचनकार बन गए, दुनिया को पढ़ाते फिर रहे हो, अक्कल है तुम्हें, मैंने क्या गलती हो गई, क्षमा करो, क्षमा क्या क्षमा करें, पता है क्या गलती हुई जिसकी तुम क्षमा मांग रहे, बताओ गलती का क्या स्वरूप है, माने सीधे नहीं बताते हो, क्षमा मांग का ही क्षमा मांग रहे कि अब गलती नहीं करेंगे, तो क्या गलती नहीं करोगे, पहले गलती का स्वरूप तो बताओ, कि साहब ढंग से पैर नहीं पड़े तो पढ़ के बताओ, तुम घुटने के बल पे ऐसे बैठ गए, बताओ जी बड़े देह से भिन्न भगवान आत्मा देखने वाली है, देखो तुम तो हम नहीं समझ पा रहे, प्लीज आप ही बताओ क्या कहना है आपको, सुमत देह तुम भी नहीं हो, देह मैं भी नहीं हूं तुम भी आत्मा हो मैं भी आत्मा हूं, अब तुम मेरी सेवा करके बताओ अब तुम मेरे चरण छू के बताओ, तुम इतना नहीं समझ पाते, जिनवाणी में औपचारिक असद्भुत व्यवहार ने से जो कथन कहा गया है उस 9 कर्म से भेद विज्ञान करके तेरी दृष्टि वहां तक जानी चाहिए, नहीं तो जरा तेरी कोई तारीफ कर देगा तो तू इसी में अटक जाएगा औपचारिक असद्भुत में, जरा कोई तेरी वो कर देगा तो तू औपचारिक असद्भुत में अटक जाएगा, माने तू खुश हो जाएगा, मेरी बड़ी पूजा है, मेरी बहुत फोटो चल गई, मेरी बहुत सीढ़ी चल गई, मेरी मेरी मूर्ख हो जाएगा तू, सारी दुनिया तुझसे लाभ ले लेगी और तू मिथ्या दृष्टि बना दे जाएगा, अब ये बात कौन कहेगा, बोला हाँ, मैंने कहा पंडित साहब आपके सेवा करना है, करो सेवा कोई बात नहीं, मैं शुरू कर दी, बोले सेवा करो, कर तो रहा हूं, सुना ऐसी सेवा करो कि गुरु को शिष्य का विकल्प ना रह जाए, ऐसे निशल्य कर दो कि मुझे लगे कि सुमत को मेरी जरूरत नहीं है, ऐसे निशल्य कर दो कि तुम अपने अनुभव में लीन हो जाओ, तुम आराधना करो खूब प्रभावना होगी, व्यवहार में प्रभावना ये सेवा है, निश्चय से तुम आत्मानुभवी बनो ये सेवा है,
अब ये बात कौन कहेगा? मैं सच कहता हूं, जिन्होंने गुरु नहीं पाए उन्होंने जगत में कुछ नहीं पाया। हमें तो लगता है भैया, किसी को लगे कि ना लगे, हमें तो लगता है। शंका नहीं करना, शंका नहीं करना, तेरे पता नहीं है कोई महा 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 अनंत अनंत जन्मों का कोई पुण्य इकट्ठा हुआ है तब ये गुरुदेव की वाणी मिली है, तुझे महिमा नहीं आती। मुझे इतना दुख होता है जब कोई कुर्सी पे बैठ के और जिनवाणी को यहां रख के बैठते, सीडी सुनते सुनते नींद आ गई तो गिर भी गई, ना तो गुरुदेव का आदर हुआ ना सीट इसका आदर हुआ, दोनों का आदर नहीं हुआ। संकेत नहीं होगा, गारंटी है नहीं होगा। योग्य विनय के बिना योग्य वस्तु नहीं मिलती, योग्य पात्रता के बिना योग्य विनय के बिना योग्य वस्तु नहीं मिलती। एक दृष्टांत दूं, वैसे नहीं समझ में आता, दृष्टांत दे। आज भारी तो नहीं हो रहे आप लोग, आज तो पंडित जी ने खूब करता तो बता दिया। ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, अरे क्या करे। मैंने काय कर दिया था पता है, बांछा हो भी जोई है, क्या बांछा कर भी जोई है, बांछा होती है करना नहीं पड़ती, उसके पहले वो बांछा करना, ये व्यवहार का वचन, वास्तव में उसको बांछा होती है। दृष्टान देता हूं, टाइम हो जाएगा फिर। एक लोक में कन्या देखने जाए कोई लड़का, शादी करना हो, कन्या देखने जाए तो सबसे अच्छी ड्रेस पहन के जाए, नहीं पहने? और घर में भले वो चाय जितना खराब बैठता हो लेकिन वहां जाते सही अच्छे बैठता है, ठीक है? और भी बोलना पड़ेगा, घर में भले वो ऐसे खा लेता, ऐसा खाता है, लेकिन लड़की के सामने मने एक लौकिक कन्या पाने के लिए और एक भाव के लिए, एक भाव की भी गारंटी नहीं है, एक भाव की भी गारंटी नहीं है, आते से ही मर जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तू पहले चला जाए, वो पहले चली जाए। लेकिन लड़का जैसे लौकिक कन्या पाने के लिए अच्छी ड्रेस पहनता है, अच्छे से बैठता है, कभी घोड़े पे बैठा नहीं, लोग बताते हैं एक आध घंटा बैठना पड़े तो हालत खराब हो जाती है, और बरमाला डले तो ऐसे ही घर में कभी नहीं बैठता, ऐसे ऐसे समझ गया दृष्टा है ना। कल्पना करो, इसका उल्टा करो, लड़का चाय जैसे कपड़े पहने आए, आंखों में कीचड़ हो, वहां आते से ऐसे ही बैठ गए, बोलो, और खाने में खाता रहे, लोग ही कन्या पसंद कर लेगी नहीं करेगी? वारे वाह, तो मुक्ति रमणी की इतनी सस्ती है। बोलो, यहां तेरी सगाई तक नहीं होगी, ऐसे तुझे सम्यक दर्शन तक नहीं होगा। तू गुरु के योग विनय नहीं करता, शास्त्र के योग विनय नहीं करता, ऊपर से दिखावटी करता है, अंदर अंदर भाव कुछ और रखता है, सम्यक दर्शन नहीं होगा। आपको चाहिए हो तो गुरुदेव की प्रवचन सुन लेना, सब मिलेगा आपको, कल ही सुनना, देखो इसीलिए मैंने आज बोल दिया, कल ही सुनना, आप कान लगा के सुनना अच्छे से। मुझे भी नहीं मालूम गुरुदेव क्या फरमाएंगे, ये तो मैं भी सोच रहा हूँ वो क्या फरमाएंगे, लेकिन मैंने तो आज तैयारी करने के लिए सारा विषय छोड़ दिया, आज मुझे बदलना था विषय, लेकिन मैं तो क्या गजब, बोलो इतनी पात्रता हो, स्वामी जी में कितनी लघुता थी, स्वामी जी में लघुता बता रहा हूं आपको कितनी थी। जब पहली प्रतिष्ठा हुई, पहली प्रतिष्ठा सोनगढ़ की, तो कहने की बात तो नहीं, लेकिन तो 20 पंथी आमना से हुई, सारी पूजा पाठ पद्धति वही थी, केला चढ़ाया जाता था, दीपक जलाए जाते थे, सारा काम होता था, बैंसरी रात को जाकर के मानस्तंभ में वो सब करते थे, वो दीपक और बैंसरी को बहुत अच्छा लगता था। मैंने
लेकिन जब फूलचंद जी, नैमीचंद जी, पंडित जी साहब सब आए तो गुरुदेव ने बड़ी लघुता से पूछा, हम तो दिगंबर हैं नहीं, हम तो मूल के दिगंबर हैं नहीं, हमको कोई का परिचय हुआ नहीं, एक आचार्य कुनकुन स्वामी का ग्रंथ मिला है, वो परोक्ष गुरु मेरे हृदय में विराजते हैं, मेरे परोक्ष देव सीमंदर भगवान वहां विराजते हैं, कोई चूक ना हो जाए, कोई आगम विरुद्ध काम नहीं हो जाए, कोई बात हो तो आप बोलो। तब इतनी लघुता से पूछा, तब मैंने नैमीचंद जी और वो फूलचंद जी ऐसे आंखों में आंसू भर आए, इतने बड़े महापुरुष हमको पूछते हैं, संकोच होता है कि नहीं नहीं संकोच नहीं करो, बोलो क्या बात है, कोई दिखता है आपको कुछ? तो फूलचंद जी बोले, साहेब आप महापुरुष हैं, आप जो पद्धति चला देंगे वो आगम परंपरा बन जाएगी आपके यहां, ये सनातन लिखा है ना ये ठीक नहीं लिखा है। एम मैंने तो ये सोचा कि अनादि अनंत है सनातन है, इसलिए मैंने सनातन लिखा, कोई बात नहीं। गुरुदेव ने उसको फौरन हटवाया, ट्रस्टी की डीड में से हटाया और इधर से भी हटाया, सनातन दिगंबर जैन मंदिर हटाया, आरती का मना हो गया, केला चढ़ना बंद हो गया, और शुद्ध तेरा पंथामना है तत्काल, स्वामी जी की भाषा थी ईज काले, ईज काले। बैंस जी को थोड़ा ऐसा लगता था, बहुत अच्छा लगता था, तो उनको ऐसा लगता था दीपक तो रहने दो आरती तो रहने दो, लेकिन गुरुदेव के सामने कहने की हिम्मत नहीं पड़ती थी, थोड़ी सी रिक्वेस्ट की, थोड़ी सी गुरु का वचन शायद गलती हो गई। अब ऐसे शिष्य और ऐसे गुरु के भाग्य से सच बताऊं, सच्ची बात कहूं, योग्य शिष्य के बिना गुरु की वाणी नहीं छिड़ती, बस इतने में समझ लो, बस और कुछ नहीं कह रहा हूं। मैंने जो भी प्रकाशन हुआ है वो किसी के निमित्त से हम तक आ गया है, लेकिन हम यदि उसमें नहीं भीगे तो हमारे लिए कुछ नहीं हुआ। अमृत बरसा लेकिन हमारे मुख में नहीं गया, हमें स्वानुभूति नहीं हुई तो फिर कुछ नहीं हुआ, ये समझ लो बस, थोड़े में बहुत समझना। पूछू जो ये अब कोई कहेगा हो ये तो बहुत भजन दे दिया, एक घंटा पूरा व्यवहार व्यवहार व्यवहार, मेरा तो सिर दुख गया, अकर्ता नहीं बोला, ज्ञाता नहीं बोला, ज्ञानी के सहज होता है, ज्ञानी के सहज होता है, सहज का अर्थ तुम्हें नहीं मालूम, सहज का अर्थ तुम्हें नहीं मालूम, अब समय होगा जब बताएंगे, अभी घड़ी में टाइम हो गया। पूर्वचर व्यवहार ही सहचर व्यवहार बनता है, बस इतने में समझ लेना आप, पूर्वचर व्यवहार ही सहचर व्यवहार बनता है। हम आपसे एक बात पूछते हैं, आप सम्यक दृष्टि होने के बाद गुरु को देव को नमोगे कि नम्रता पूर्वक जाओगे तो सम्यक दर्शन होगा? बोलो बोलो उत्तर क्या करोगे? बोलो भक्ति से सुनोगे तो सम्यक तो होगा कि सम्यक तो होने के बाद सहज भक्ति होगी? ये तो कृत्रिम भक्ति है, तो कर्तापने की भक्ति है, ये तो ऐसी भक्ति, तूने डेढ़ अकल लगा ली, डेढ़ अकल लगा ली, जा प्रश्न मत कर, ज्यादा मत सोच, तेरा काम हो जाएगा, चिंता नहीं कर काम हो जाएगा, विश्वास कर। कल और आज में बहुत बात आ गई, अब मैं कोशिश करूंगा जो विषय मुझे लेना था वो मैं कल ले लूं। ओम नमः शिवाय।